तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूँ बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है ठीक है। तो बच्चों जैसा कि आप लोग को पता है बच्चों, हमारे इस चैनल पर हम लोग ने शुरू किया हुआ है ट्वेल्थ केमिस्ट्री का बैच, सही है, जहाँ पे आप लोग को रेगुलरली ट्वेल्थ केमिस्ट्री के लेक्चर्स मिल रहे होंगे, सही है। और तो और बाकी के जितने भी बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उन सबके लेक्चर वीडियोस बच्चों हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में अवेलेबल है। तो अगर आपको बायोलॉजी पढ़ना है, अगर आप लोगों को केमिस्ट्री तो आप लोगों को मिल रहा है, अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है, अगर आपको मैथ्स पढ़ना है, तो ज़रूर से हमारे प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। ठीक है, वहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के हर एक लेक्चर के हर एक चैप्टर के लेक्चर वीडियोज़ प्रेजेंट है, सही है ठीक है। और बायोलॉजी तो मैंने ही आपको पढ़ाया था लास्ट ईयर, सही है। सो बाकी के अपने सारे सब्जेक्ट देखते रहो, केमिस्ट्री आप लोग के लिए रेगुलरली आ रहा है, सही है। तो अपनी पढ़ाई को बच्चों अच्छे से बूस्टअप रखो, अच्छे गियर में रखो, सही है। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जब आप एंड ऑफ ईयर सेमेस्टर पहुंचोगे, जब आपका साल एंड हो रहा होगा, तो उस समय आपको पढ़ने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। कई सारी चीज़ें वहाँ पर चलती हैं, ठीक है, प्रीलिम्स होते हैं, फिर आपके ओरल्स होते हैं, आपको असाइनमेंट लिखने पड़ते हैं, आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो कई सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपको उस टाइम पर टाइम नहीं मिलेगा, सही है। तो अभी से जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, सही है, और ट्राई करो कि अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म कर ले, ठीक है चलेगा। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का ये लेक्चर। जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट फ्यू लेक्चर्स से एक लेसन शुरू किया हुआ है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार लेसन शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है बच्चों आयन इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। और इसके तीन लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल के ऊपर, तो अगर नहीं देखा है तो ज़रूर से जाके देख लेना, सही है, ज़रूर से जाके इस वीडियो को देख लेना बच्चों, क्योंकि अगर आप शुरू से शुरू करोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। अगर आप बीच में जंप करोगे, डायरेक्ट ये वीडियो देखोगे, तो शायद आपको चीज़ें इतनी बेटर तरीके से ना समझ में, सही है। तो चीज़ें शुरू से देखा करो, चीज़ें ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझेंगी, आपको कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, चलेगा। तो बच्चों लास्ट वाले वीडियो में, जो लास्ट वाला हमारा टॉपिक था, उसके अंदर हम लोगों ने ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ा हुआ था, ठीक है। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ वीक एसिड और वीक बेस के लिए, दोनों के लिए हम लोग ने कंप्लीट किया था। उसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूलेज मैंने बना के दिखाए थे, तो उन फॉर्मूलेज को अपने बुक्स में लिख लेना, कहीं पे हेडिंग पे लिख लेना, क्योंकि बहुत सारे जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना तो आप लोग को वो फॉर्मूलेज लगने वाले हैं, सही है। मैं भी ट्राई करूंगा, एक दो लेक्चर वीडियो बना दूं न्यूमेरिकल के ऊपर, ठीक है। आज बच्चों इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग बच्चों ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग पीएच और पीओएच के बारे में पढ़ेंगे, इनका रिलेशनशिप देखेंगे, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में होने वाली हैं, पीएच क्या होता है, पीओएच क्या होता है, इनका रिलेशनशिप क्या है, सही है। फिर उसके बाद पीएच की एक स्केल होती है, सही है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे, समझेंगे डिटेल में, सही है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, आज के इस मज़ेदार से बढ़िया से लेक्चर को, ठीक है। एक और बात आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको कोई डाउट होता है किसी भी सेशन के थ्रू, जो भी मैंने पढ़ाया है केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तो आप आ सकते हो बच्चों मेरे इंस्टाग्राम पे, ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, ठीक है, आप वहाँ पे आके मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, दैट इज अवर ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, और उसके बाद हम लोग आएंगे हमारे पीएच और पीओएच पे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझना है बच्चों कि ऑटो आयोनाइजेशन क्या होती है। अब नाम से ही आपको कई सारी चीजें यहां पर समझ में आ रही होंगी। नाम क्या है बच्चों इसका? ऑटो आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब आप लोगों को पता है, डिसोसिएशन। जब आयन्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, जब आयन्स का फॉर्मेशन होता है तो वो आयोनाइजेशन है, पर यहां पर ऑटो आयोनाइजेशन है। ऑटो मतलब क्या? ऑटोमेटिक, सही है ना, ऑटोमेटिक। ऑटो मतलब क्या? ऑटोमेटिक मतलब वहां पर आप कोई दूसरा रिएजेंट नहीं डालोगे, आप कोई एसिड नहीं डालोगे, आप कोई बेस नहीं डालोगे, फिर भी वहां पर आयोनाइजेशन होगा। किसका आयोनाइजेशन होगा बच्चों? वाटर का आयोनाइजेशन होगा। तो वाटर अपने आप खुद ब खुद आयोनाइजेशन करता है, सही है। इसी को हम लोग कहते हैं ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। क्या बोला मैंने? समझा, आयोनाइजेशन का मतलब आप लोग को बताएं कि अगर कोई भी एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट रहा है, मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसे हम लोग आयोनाइजेशन कहते हैं, या फिर इसी चीज को आप डिसोसिएशन कह सकते हो, सेम बात है। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल ऑटो आयोनाइज होता है, मतलब खुद से आयोनाइज हो जाता है, खुद से वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटना शुरू हो जाता है, समझ रहे हो, ठीक है। खुद से उसका आयोनाइजेशन हम लोग को देखने के लिए मिलता है, दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज नोन एज ऑटो आयोनाइजेशन। अब देखो एक और बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि आप पानी के अंदर पानी आप घर पे मिला दोगे और उसके अंदर आयोनाइजेशन हो जाएगा। ये होता तो है पर बहुत ही कम अमाउंट में होता है, बहुत ही कम अमाउंट में होता है, ठीक है। सो ऑटो आयोनाइजेशन होता है वाटर के अंदर, पर
वो बहुत ही कम अमाउंट में होता है, ये आपको बात जाननी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आ जाओ बच्चों, समझते हैं कि आखिरकार ऑटो आयोनाइजेशन होता क्या है, थोड़ा ढंग से समझते। पहली बात आप लोगों को लिखना है, ठीक है, वाटर की बात कर रहे हैं हम लोग, वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर ओनली, सही है। तो पहली बात आप लोगों को ये लिखनी है, पहला स्टेटमेंट ये लिखना है कि वाटर आयोनाइज इन वेरी वेरी लेस क्वांटिटी या लेस अमाउंट, ऐसा आप लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है कि भैया ये भी एक वीक है, पार्शियल डिसोसिएशन, कैन राइट एज अ अपने समझने के लिए पार्शियल डिसोसिएशन। पहले से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, पार्शियल डिसोसिएशन ना ये ना वो, ये सब पढ़ते हुए आ रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का मतलब ये है बच्चों कि आपका जो वाटर है वो आयोनाइज तो होता है, उसका आयोनाइजेशन डिसोसिएशन तो होता है, पर बहुत ही कम होता है, बहुत ही लेस होता है, सही है, ठीक है। सो ये पार्शियल डिसोसिएशन होता है, और आप लोग को पहले से पता है, अगर आप लोग पिछले वीडियोस देख रहे हो तो, अगर पार्शियल डिसोसिएशन कहीं पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा तो वहां पर आपको कुछ इस तरीके का एरो लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने पहले भी आपको बताया है, अगर आप पार्शियल डिसोसिएशन करोगे तो आपको इस तरीके का एरो लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई? ठीक है, अब आ जाओ रिएक्शन देखते हैं कि आखिरकार रिएक्शन में ऐसा क्या हो रहा है, ऐसी कौन सी चीजें हो रही है जिसके वजह से ऑटो आयोनाइजेशन वाटर का देखने के लिए मिल रहा है। सुनो, ध्यान से सुनो, आपकी बुक क्या कह रही है कि अगर आप H2O को रिएक्ट करवाओगे H2O के साथ, सही है, अगर आप पानी के अंदर पानी मिला दोगे तो इसका होगा ऑटो आयोनाइजेशन, ठीक है, इसका क्या होगा, ऑटो आयोनाइजेशन। अब मैंने आपको बताया ऐसा नहीं है कि आप पानी लो, एक गिलास इधर पानी लो, एक गिलास इधर पानी लो, दोनों को मिलाओ तो आप बोलोगे यार मेरे को तो आयन दिख ही नहीं रहे, मेरे को तो इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा। ऐसा क्यों हो रहा है पता है, आप क्यों नहीं दिख रहा पता है, बिकॉज ये पहली लाइन आपको जस्टिफाई कर रही है, वाटर आयोनाइज इन वेरी वेरी लेस अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में आयोनाइजेशन होता है अगर वाटर के मॉलिक्यूल इंटरैक्ट करते हैं तो। और वाटर के मॉलिक्यूल कैसे इंटरैक्ट करते हैं बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, पता है ना आप लोग को, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। यहाँ पे एच होगा मेरे भाई, यहाँ पे एच होगा और यहाँ पे एच होगा, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है। सिमिलरली मान लो यहाँ पे एक एच है, यहाँ पे एक एच है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो ऑक्सीजन है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस हाइड्रोजन, सही है। तो हल्का सा, एकदम बहुत ही हल्का सा बच्चों पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है इसके ऊपर, इस ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है बिकॉज दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर ये इलेक्ट्रो नेगेटिव है तो आपके हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मतलब हल्के से उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलर तरीके से इसके अंदर भी होगा, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव, सही है। तो अगर आप देखो तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इनके अंदर हल्का सा इंटरेक्शन होगा, दिस इज वैन डर वाल इंटरेक्शन, इनके अंदर भी हल्का सा इंटरेक्शन होगा, समझ लो। तो बिकॉज ऑफ दिस इंटरेक्शन ये मॉलिक्यूल टूटते हैं, ये मॉलिक्यूल आयोनाइज होते हैं, समझ लो, पर बहुत ही कम अमाउंट में, सही है। तो क्या कह रही है आपकी बुक, अब देखो ये जो आपका H2O है, मान लो इस H2O को मैं ऐसे लिखता हूं HOH, दिस इज द H2O, तो होगा कुछ नहीं बच्चों, एक H आपका इसके पास चला जाएगा और बचेगा आपका ये 2H, इस H2O में से एक H आपका यहां चला जाएगा और बचेगा आपका OH, OH माइनस, तो क्या हो जाएगा, बचा क्या आपका OH माइनस, सही है, ये आपका OH, ये इसी का है, इसी का लिखा हुआ है, तो ये OH माइनस बचा और ये H किसके पास चला गया, इस H2O के पास, तो यहां पे बन गया बच्चों आपका H3O, ठीक है, H3O, क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया यहां पे क्या हुआ बच्चों। और यहां पे मैंने रिवर्सिबल का साइन क्यों डाला, बिकॉज इट इज पार्शियल डिसोसिएशन, बहुत ही कम डिसोसिएशन हो रहा है, एंड पार्शियल डिसोसिएशन के अंदर आपको ये सिंबल लगाना पड़ेगा। कंप्लीट डिसोसिएशन होता तो कंप्लीट डिसोसिएशन में आपको एक नॉर्मल सा एरो लगा दोगे आप, सही है, वहां पे आप रेट कांस्टेंट फाइंड करते हो, यहाँ पे आप डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करते हो, बिकॉज यहाँ पे पार्शियल डिसोसिएशन होता है, इसी को हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है, इस कांस्टेंट को हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कहते हैं। तो यहां तक चीजें समझ में आई है, आप लोग जरा सोचो और समझो कि यहां तक आपको चीजें समझ में है, जो भी मैंने आपको बोला है कि भैया ऑटो आयोनाइजेशन वाटर है, वाटर खुद ही देख रहे हो, वाटर खुद ही दूसरे एक खुद ही के मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर आयोनाइजेशन कर रहे हैं। अब समझ में आया ना हम इसका क्यों रखा है ऑटो आयोनाइजेशन, क्योंकि वाटर खुद ही के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर आयोनाइजेशन कर रहा है, डिसोसिएशन कर रहा है, खुद ही टूट गया खुद ही के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर, पर ये बहुत ही लेस होता है, बहुत ही कम अमाउंट में होता है, सही
सही है। हम लोग को क्या पता चला, हम लोग को पता चला भैया अगर हम लोग ने इसका रिएक्शन किया तो हम लोग को एक OH मिलेगा, एक H3O मिलेगा। कैसे मिला, मैंने इसको तोड़ के ऐसा लिखा हुआ है, तो ये H इसके पास चला गया H3O प्लस और ये OH यहां बचा रहा OH माइनस। अब इसका आपको लिखना है बच्चों कॉन्स्टेंट। इससे लिखते आ जाओ, इसका आप लोग लिखना है कॉन्स्टेंट। कौन सा कॉन्स्टेंट है ये, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट है। ठीक है, कौन सा कॉन्स्टेंट है ये, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट है। क्या वैल्यू होती है कॉन्स्टेंट की, मैंने आपको बताया है कॉन्स्टेंट क्या होता है बच्चों, हमेशा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही फॉर्मूला है, यही हम लोग फॉलो करते हुए आ रहे कब से। अब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि भैया हमारे जो कॉन्स्टेंट है, क्या प्रोडक्ट है हमारा, हमारा प्रोडक्ट है ये, तो यहाँ साइड में लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ ज़्यादा सही से दिखेगा। तो K इज इक्वल टू प्रोडक्ट ये हो जाएगा अपना, यानी H3O प्लस इसका कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय OH नेगेटिव इसका कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय आपका रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है, एक H2O मॉलिक्यूल यहाँ पे है, एक H2O मॉलिक्यूल यहाँ पे है, दो H2O का मॉलिक्यूल है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ H2O और ये मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। स्क्वायर मतलब क्या, दो H2O के मॉलिक्यूल थे तो बस मैंने क्या किया, उसको स्क्वायर लगा दिया। मतलब नहीं है ना, एक H2O लिखता फिर H2O लिखता, H2O क्या होते हैं, 2 × 2 क्या होता है, 2 का स्क्वायर ही होता है ना, तो वैसे ही बच्चों यहाँ पे भी क्या हुआ, उसका स्क्वायर हो गया। ये बात समझ में आ गई। नाउ दिस इज अ कॉन्स्टेंट, ये आपको एक कॉन्स्टेंट मिला है। अब आप क्या करोगे, इतना तो आपको आता है, अब आप क्या करोगे, अब आप इसको इधर लेके जाओगे। देखो देखो ये बच्चों H2O स्क्वायर जो है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O स्क्वायर, ये क्या है यहाँ पे डिवाइड में है, तो अगर ये इज इक्वल टू को इस साइड गया तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ना, तो K सेकेंड K इंटू क्या हो जाएगा आपका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O स्क्वायर इज इक्वल टू योर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH। बात समझ में आ गई, यहां तक आप लोगों को क्लियर है कि नहीं, यहां तक आप लोग को चीजें समझ में आई हैं कि नहीं, जरा हमें बताओ, बताओ कि कैसे। लेकिन भैया आप तो रिकॉर्डेड देख रहे हो, कोई बात नहीं, चलो, पर आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया मैंने, बहुत सिंपल है। K का वैल्यू लिया, दिस इज योर डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, दिस K इज योर डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट ये है, ये दिस इज अवर प्रोडक्ट, दिस इज अवर प्रोडक्ट एंड ये है क्या बच्चों, हमारा रिएक्टेंट, दिस इज अवर रिएक्टेंट। क्लियर है, सो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये मैंने H2O दो बार था, इसका स्क्वायर लिख दिया, बस ये इधर चाके इधर चला गया। सही है, अब आ जाओ आगे, कहां तक हम लोग ने फाइंड किया है, हम लोग ने फाइंड किया बच्चों कॉन्स्टेंट इंटू H2O का कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O स्क्वायर इज इक्वल टू OH नेगेटिव, फिर जैसा लिखे थे वैसे लिखते H3O पॉजिटिव, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। क्लियर है, यहां तक चीज समझ में आ गई है, बहुत आसान है यहां तक। अब अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो इस कंडीशन में बच्चों जो भी आपका वाटर है, जो भी आपका वाटर का वैल्यू है वो तो आपका सेम ही रहेगा। वाटर का जो वैल्यू है वो तो आपको पता है ना, तो वो तो बच्चा आपका सेम ही रहेगा ना थ्रू आउट द रिएक्शन, वो तो चेंज होने वाला नहीं है। तो आई कैन से कि बच्चों आपकी ये जो वैल्यू है H2O की जो वैल्यू है इट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, ये भी हमेशा क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, क्योंकि आपने जितना वॉल्यूम लिया है वॉटर का दैट यू नो ना। सही है, तो इस कंडीशन में आप क्या लिखोगे, हियर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। ये भी क्या है बच्चों, आपकी कॉन्स्टेंट ही है, सेम ही है। तो इस कॉन्स्टेंट को मैं दिखाऊंगा बच्चों K डैश से। ठीक है, इस कॉन्स्टेंट को मैं किससे दिखाऊंगा, K
डैश से। तो ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी बच्चों आपकी के मल्टीप्लाई बाय के डैश इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच थ्री ओ पॉजिटिव एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव। बात समझ में आ गई, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, मैंने आपको सिर्फ बोला है कि आपका जो वाटर मॉलिक्यूल था, ठीक है, आपका जो वाटर मॉलिक्यूल था वो भी क्या है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी क्या है, कॉन्स्टेंट ही रहेगा, सही है। तो इस कॉन्स्टेंट को मैंने ले लिया के डैश। के डैश क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्स्टेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच टू ओ। तो भैया इस एच टू ओ के स्क्वायर की जगह मैंने क्या डाल दिया, आपका के डैश डाल दिया, सही है। अब आप देखो आपका K भी कांस्टेंट है, K डैश भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों कांस्टेंट की जगह मैं सिर्फ एक कांस्टेंट लिख सकता हूँ। इन दोनों कांस्टेंट की जगह बच्चों मैं सिर्फ एक कांस्टेंट लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसके जगह मैं लिखूंगा बच्चों के डब्ल्यू, ठीक है, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा के डब्ल्यू। नाउ के डब्ल्यू इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, और इसका क्या आएगा वैल्यू, इसका आएगा बच्चों आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ पॉजिटिव एंड समझा मैंने क्या बोला। बहुत ही आसान था, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसको मैंने किससे दिखा दिया, के डब्ल्यू से दिखा दिया। नाउ इस के डब्ल्यू का एक नाम है, इस के डब्ल्यू को हम लोग कहते हैं, इस के डब्ल्यू की बच्चों एक पहचान है, ठीक है। तो यहां पर लिखना है आपको वेयर के डब्ल्यू क्या है, के डब्ल्यू इज द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। के डब्ल्यू क्या है, के डब्ल्यू है बच्चों आपका आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड इट इज अ कॉन्सेंट्रेशन, ये आपका कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ठीक है, ये आपका क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। उसके साथ साथ ये जो एच थ्री ओ पॉजिटिव है ये क्या है, इट इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, सही है। और ये आपका OH माइनस, ये क्या है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, समझ में आई बात, इतना ही है, यही था बच्चा आपका ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर करने के बाद आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है के डब्ल्यू इज इक्वल टू, के डब्ल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, के डब्ल्यू इज इक्वल टू एच थ्री ओ पॉजिटिव, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच थ्री ओ पॉजिटिव एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वच नेगेटिव। क्लियर है, समझ में आ गया। अब इस के डब्ल्यू का एक डेफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो ये डेफिनेशन दो मिनट बाद पढ़ो, अभी हम लोग ने क्या फाइंड किया, के डब्ल्यू मतलब क्या है आपका आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, क्या फाइंड किया, के डब्ल्यू इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच थ्री ओ पॉजिटिव एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव। एच थ्री ओ पॉजिटिव क्या है, एच थ्री ओ पॉजिटिव है बच्चों आपका हाइड्रोनियम आयन एंड ओ एच नेगेटिव क्या है बच्चों आपका, दैट इज हाइड्रोक्सिल आयन, सही है। तो ये आपका हाइड्रोनियम आयन, ये आपका हाइड्रोक्सिल आयन। अब जरा इस डेफिनेशन को पढ़ो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या है डेफिनेशन, के डब्ल्यू का डेफिनेशन है ये, दैट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है, द प्रोडक्ट ऑफ अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, किसका कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन है, ये किसका कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन मतलब क्या होता है, एच थ्री ओ पॉजिटिव, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन ऑफ अ प्योर वाटर, ये लिखना आपको जरूरी है। और किसके अंदर बच्चों, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, कहां गया ये देखो, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये कंडीशन कैसी है बच्चों, इक्विलिब्रियम है। तो जो फॉर्मूला आपने फाइंड किया है सेम वही डेफिनेशन, ये डेफिनेशन आपको रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने ये निकाल लिया तो इसी से बच्चों आप क्या लिख सकते हो, आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो, यही डेफिनेशन है ना। मैंने आपके सामने ये वैल्यू फाइंड की, मैंने आपके सामने ये चीज फाइंड की, ये चीज मैंने आपके सामने डेरिवेट की, और उसके बाद अब मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, सेम टू सेम जो यहाँ पे चीज लिखी हुई है वही चीज आपके डेफिनेशन के अंदर है, दैट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, दिस इज योर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, मल्टीप्लीकेशन है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट है किसका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन का एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
हाइड्रोक्सिल आयन का, किसमें? प्योर वाटर में और एट इक्विलिब्रियम, ये तो आप लोग पढ़ी लोगे, याद कर ही लोगे, क्योंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में इज कॉल्ड एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ। क्लियर है? क्लियर है, समझ में आ गया? सो आई होप बच्चों इतनी चीजें आप लोग को क्लियर होंगी, इतनी चीजें आप लोग को समझ में आ रही होंगी, ठीक है, इतनी चीजें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। सही है, समझ में आ गया। अब चलो आगे बढ़ते, अब चलो आगे बढ़ते, अब कुछ और चीज आप लोग को जाननी है। देखो साइंटिस्टों ने क्या किया, साइंटिस्टों ने किया एक्सपेरिमेंट, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं भैया, उनका काम ही एक्सपेरिमेंट करना। तो साइंटिस्टों ने किया एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको पता चला, क्या पता चला उनको, कि जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है H3O पॉजिटिव का प्योर वाटर में, ये किसकी बात हो रही है, प्योर वाटर की बात हो रही है, प्योर, ठीक है, प्योर वाटर में बात हो रही है। तो उन्होंने क्या, उनको क्या पता चला कि जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो आफ्टर द एक्सपेरिमेंट दे फाउंड कि भैया जो कॉन्सेंट्रेशन होती है आपके हाइड्रोनियम आयन की वो होती है 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर। और जिन बच्चों ने मेरे साथ लेसन नंबर 2 पढ़ा है उन बच्चों को पता है कि ये मोल पर लीटर किसकी यूनिट है, ये है बच्चों मोलारिटी की, जिन्होंने भी पढ़ा है उनको पता है कि ये मोलारिटी की यूनिट है। मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया ना कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, सही है, तो दिस इज मोल्स एंड, सही है। तो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, साइंटिस्टों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया, सो दे फाउंड दैट, दे फाउंड दैट कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव, कॉन्सेंट्रेशन, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, इतनी होती है 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर होती है, ठीक है, प्योर वाटर की। सिमिलरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव भी इतनी ही होती है 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर, ठीक है, सेम टू सेम इतनी ही होती है। तो अब यहां से मैं KW का वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं भाई, बिल्कुल ही कर सकता हूं। कैसे करूंगा, देखो KW का फॉर्मूला क्या होता है, KW इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H अपना हाइड्रोनियम आयन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। इसकी वैल्यू कितनी मिली मुझे, इसकी वैल्यू मुझे मिली बच्चों 1 × 10⁻⁷, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 1 × 10⁻⁷, सही है। तो 1 तो 1 ही रहेगा, 1 × 1 ही रहेगा, 10⁻⁷ - 7 - 7 कितना हो जाएगा, 10⁻⁷ प्लस आता है तो इधर भी -7 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, यू गेट KW इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर, ये आपको याद रखना है, ठीक है, KW इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये तो पढ़ा है ना बचपन में, पांचवी छठी में पढ़ा रहेगा। तो यहां पे बच्चों आपका एंड होता है ये वाला टॉपिक, समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। सो आई होप बच्चों आप लोग को ये चीजें क्लियर हुई होंगी। सो दिस इज द ऑटो आयनाइजेशन ऑफ योर वाटर। नाउ नेक्स्ट जंप इनटू अनदर टॉपिक, दैट इज अवर पीएच एंड पीओएच। पीएच के बारे में जानने, पीओएच के बारे में जानने, वही सारी चीजें आराम से आ जाओ। क्या है पीएच और पीओएच, क्या है, देखो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि पीएच वो वैल्यू होती है जो हमको, पीएच का एक स्केल होता है ना, पीएच वो वैल्यू होती है जो हमको बताता है कि कोई भी चीज एसिडिक है, कोई भी चीज बेसिक है, ठीक है, कौन सी चीज न्यूट्रल है, कौन सी चीज एसिडिक है। तो उसको हम लोग पीएच पेपर में डालते हैं या फिर पीएच के अलग अलग सॉल्यूशन भी आते हैं, सही है। तो उसके अंदर अगर आप वो सॉल्यूशन डालोगे तो वो कलर चेंज करता है और उस कलर के अकॉर्डिंग भी आप बता सकते हो कि वो एसिडिक है या बेसिक है, समझ लो। तो अब हम लोग को बात करना है बच्चों एक्चुअल में पीएच होता क्या है, ठीक है। तो पीएच का मतलब होता है नॉर्मली आपका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, यहाँ पे भी पोटेंशियल ऑफ आपका हाइड्रोक्सिल एटम। तो अगर मैं एच की बात करूं तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसका फॉर्मूला है बच्चों माइनस लॉग टू द बेस 10, ठीक है, माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी एच प्लस, एच प्लस सिर्फ हाइड्रोजन नहीं, एच प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन,
बात समझ में आई बात? ठीक है, सो इसका आप डेफिनेशन क्या लिख सकते हो? इसका डेफिनेशन सिंपल सा होगा, दैट पीएच इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम। देखो ये नेगेटिव लॉगरिथम, ये माइनस साइन बोलना नहीं है, सही है? सो यू कैन राइट एज इट इज डिफाइन एज, इट इज डिफाइन एज नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10, ये होता है ना बेस 10 ऑफ इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, सही है? हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं शायद इसको, हाइड्रोजन आयन। आप H प्लस आयन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका डेफिनेशन किसका, पीएच का। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा याद रखेंगे, पीएच का फॉर्मूला होता है बच्चों योर माइनस लोगैरिथम टू द लॉग 10। ठीक है, माइनस लोगैरिथम टू द लॉग 10 एच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। हाँ क्या, हाँ, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पी ओ एच की। नो, व्हाट इज पी ओ एच? पी ओ एच भी एकदम सिंपल है, एक चीज याद हो गई दूसरा भी याद हो जाता है। पी ओ एच क्या होता है? सुनो, पी ओ एच का फॉर्मूला है बच्चों, पी ओ एच इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस आयन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस आयन, मतलब लॉग निकालना है आपको किसका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस आयन का। तो इसका भी डेफिनेशन आप लोग सिंपली बना सकते हो, बहुत ही सिंपल, इसका भी डेफिनेशन आप लोग बना सकते हो। क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन, आप लिख सकते हो, इट इज डिफाइन एज, ठीक है, इट इज डिफाइन एज, इट इज मतलब क्या, आपका पी ओ एच इज डिफाइन एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ, या फिर आप लिख सकते हो टू द बेस 10, नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10, टू द बेस 10 ऑफ किसका, ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका, हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसी का नेगेटिव लॉगरिथम आप क्या कहलाता है बच्चों, पी ओ एच कहलाता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ले लिया, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े, इसका भी ले लो, इसका भी ले लो, डन, लेट्स मूव, लेट्स मूव। अगला टॉपिक है बच्चों आपका रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दैट गिव द रिलेशनशिप या स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच, और फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मुझे याद है जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था तो मेरे बोर्ड के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, जब मैं बोर्ड का एग्जाम दे रहा था तो उस टाइम पे भी ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन पी एच एंड पी ओ एच। सो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने भी सॉल्व किया था, यहाँ पर भी सॉल्व करके आपको बताता हूँ। सुनो सुनो, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। अभी हम लोग ने आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का एक फॉर्मूला पढ़ा। ठीक है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का अभी हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा, क्या था आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, के डब्ल्यू इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच थ्री ओ पॉजिटिव, यही पढ़ा हम लोग ने। ठीक है, एच थ्री ओ पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव, अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो ये हम लोगों ने यही फॉर्मूला पढ़ा। अब अगर आप बात कर देखो, एच थ्री ओ पॉजिटिव है, एच थ्री ओ पॉजिटिव क्या डोनेट करेगा, इसके अंदर पॉजिटिव एक्चुअल में क्या है, इसके अंदर पॉजिटिव एक्चुअल में होता है बच्चों एच प्लस, इसके अंदर पॉजिटिव एक्चुअल में क्या होता है, एच प्लस। तो आप H3O पॉजिटिव की जगह आप इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके
इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके आप ऐसा भी लिख सकते हो के डब्ल्यू इज इक्वल टू एच प्लस एंड एच माइनस। सही बात है ना। ऐसा क्यों लिखा मैंने, मैं आपको बताता हूं। देखो ये है एच थ्री ओ पॉजिटिव, ठीक है। एच थ्री ओ पॉजिटिव है, पॉजिटिव का काम क्या होता है, डोनेट करना, ठीक है। तो भैया ये डोनेट कब करेगा, अगर इसने डोनेट किया इसके पॉजिटिव कब, इसके पास क्या है, एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है ना, तो एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है इसीलिए इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव लगा हुआ है। तो मैंने H2O को हटा दिया, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए इक्वेशन बनाया बच्चों, H प्लस के लिए इक्वेशन बनाया। ये आपका एक इक्वेशन है, इसका इक्वेशन है ये आपका, दैट इज आयोनिक आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 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 जो भी कह सकते, ठीक है। एक और बात अभी हम लोग ने फाइंड किया था कुछ समय पहले, दैट के डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 × 10⁻¹⁴ होना चाहिए, 4 नहीं, 10⁻¹⁴ मोल पर लीटर। ये भी हम लोग ने फाइंड किया था, ठीक है। ये वैल्यू भी अभी हम लोग ने फाइंड किया था, छोटा डब्बा नहीं बनाएंगे। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों ही इक्वेशन में के डब्ल्यू कॉमन है, मतलब के डब्ल्यू इसके भी इक्वल है, के डब्ल्यू इसके भी इक्वल है। सो कैन आई से ये पूरा टर्म इसके इक्वल हो सकता है, कैन आई से बच्चों ये पूरा टर्म किसके इक्वल होगा, इस चीज के इक्वल होगा। तो मैं यहां पे कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा बच्चों यहां पे दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ माइनस इज इक्वल टू 1 × 10⁻¹⁴, ठीक है। वो लीटर वीटर अपन बाद में लगाएंगे, अभी आप लोगों को इतना समझ में आया ये कैसे हुआ, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 दे, सब समझ में आएगा, ठीक है, सब समझ में आएगा। ध्यान से सुनोगे तो सब समझ में आएगा। क्या बोला मैंने, देखो ये अभी हम लोग ने फाइंड किया था के डब्ल्यू का, के डब्ल्यू क्या फाइंड किया था, एच थ्री ओ प्लस, एच थ्री ओ प्लस में पॉजिटिव एच प्लस ही ज्यादा रहता है, तो इस इक्वेशन को हम लोग ने मॉडिफाई किया सिर्फ एच प्लस के लिए। ये आपका एक इक्वेशन है। फिर ये सेम चीज मैंने अभी फाइंड किया था, दैट इज के डब्ल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू है ना, जब साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किया था उनको ये वैल्यू मिला, दैट इज के डब्ल्यू का वैल्यू कितना होता है 1 × 10⁻¹⁴ मोल पर लीटर। अगर आप दोनों इक्वेशन को सामने सामने देखो तो के डब्ल्यू इसके बराबर है, के डब्ल्यू इसके बराबर है, तो फ्रॉम 1 × 2 आप लिख सकते हो कि दिस इक्वल टू दिस, सही है। अब आ जाओ दूसरे पेज पे, नया पेज लेते सॉल्व करते। क्या था अभी मैंने लिखा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन एंड O माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 1 × 10⁻¹⁴, ठीक है। भूल जा रहा हूँ मैं, 14 लिखना भूल जा रहा हूँ, चलो ठीक है। नाउ वी हैव टू टेक, इसने क्या किया है, मल्टीप्लाई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 थी ना, तो मल्टीप्लाई लॉग टू द बेस 10 इन इक्वेशन, मतलब आपको क्या करना है, इक्वेशन 3 को लॉग टू द बेस 10 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना हर जगह को। तो क्या हो जाएगा आपकी वैल्यू, लॉग टू द बेस 10 और यहां पे क्या आ जाएगा आपका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H नेगेटिव इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 टू द बेस 10 ऑफ किसका, 1 × 10⁻¹⁴ का। सही बात है, ठीक है। अब देखो ये मल्टीप्लाई में आप लोगों ने लॉग पढ़ा होगा ना, अगर लॉग में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी सम अगर मल्टीप्लाई में होता है तो अगर इसको लॉग में लेते हैं तो प्लस आ जाता है बीच में, ठीक है। तो मतलब अगर ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी आपकी लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस प्लस यहाँ पे आ जाएगा लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH। सही है। सिमिलरली अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, दैट इज लॉग टू द बेस 10 ऑफ 10⁻¹⁰, ठीक है। 10⁻¹⁰, 10⁻¹⁰ में कुछ भी होता है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, x, इसकी वैल्यू क्या होती है, x। अगर यहां पे माइनस लगा हुआ है तो यहां पे माइनस लग जाएगा, अगर वहां पे माइनस लगा हुआ तो यहां पे माइनस लग जाएगा, इस 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है। तो लॉग 10 लॉग 10 मतलब लॉग बेस टू द बेस 10 इसका वैल्यू निकालना है आपको 10⁻¹⁴ का निकालना है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -14। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं ना, ये फॉर्मूला बच्चों अच्छे से लिख दू, ये फॉर्मूला आप लोग को पढ़ाया रहेगा नौशाद सर ने, लॉग टू द बेस 10 10⁻¹⁰, मान लो 10⁻¹⁰ कुछ भी है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा -x होती है इसकी वैल्यू,
तो वही चीज मैंने यहाँ पे भी लिखी है, वही चीज मैंने यहाँ पे भी लिखी है कि 10 रेस टू लॉग टू द बेस 10, 10 रेस टू माइनस 14 है, इस 1 की कोई वैल्यू है नहीं, तो 10 रेस टू माइनस 14 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 14। बात समझ में आ गई, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई, अब क्या वापस लिखना है आप लोग को, मल्टीप्लाई दी अबव इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, तो इक्वेशन नंबर 4 दे दो आप, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय माइनस 1, ठीक है। अब इस पूरे इक्वेशन को आप माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, अगर आपने पूरे इक्वेशन को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस लॉग 10 एच प्लस, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस लॉग द बेस 10 OH नेगेटिव इज इक्वल टू, अब देखो ये पहले से माइनस में था, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 14। यहां तक समझ में आ गया, इसको एक बार वापस लिखेंगे अपन, क्या आ गया अपना, लॉग टू द बेस 10 एच प्लस माइनस लॉग टू द बेस 10 OH माइनस इज इक्वल टू 14, ठीक है, इज इक्वल टू 14। अब हमको पता है कि माइनस लॉग टू द बेस 10 एच प्लस मतलब क्या होता है, माइनस लॉग टू द बेस 10 एच प्लस मतलब क्या होता है, कहां गया, यहां देखो, माइनस लॉग टू द बेस 10 एच प्लस मतलब क्या होता है, पीएच, एंड सिमिलरली माइनस लॉग टू द बेस 10 ओएच मतलब क्या होता है, ओएच। तो इन दोनों की जगह पर ध्यान से सुनेंगे, इन दोनों की जगह पर देखो, माइनस लॉग टू द बेस 10 माइनस लॉग टू द बेस 10 इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं पीएच, सही है, एंड माइनस लॉग टू द बेस 10 की जगह क्या आ जाएगा आपका, पी ओ एच, और इसके बीच में आएगा प्लस का सिंबल, प्लस का सिंबल क्यों आया, बिकॉज ये माइनस इसका है, सही है, सो इज इक्वल टू 14। ये बच्चों आपको मिल गया वैल्यू, समझ में आई बात, ये वैल्यू मिल गया आपको, क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गया। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है, सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आपके जो पीएच और पीओएच को दोनों को ऐड करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलती है, 14 मिलती है, दिस इज द फाइनल स्टेप, डन, आगे चले, चलो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग ये जान लेते हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है, बाकी डिटेल में हम लोग अगली क्लास में जानेंगे। देखो एक्वस सॉल्यूशन तीन प्रकार के हैं, एक्वस सॉल्यूशन तीन प्रकार के हैं, सबसे पहला है आपका एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है, फिर एक है आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन, सही है, और एक है आपका बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। सो तीन प्रकार के आपको एक्वस सॉल्यूशन आपके बुक में दिए हुए हैं, कौन कौन से, तीन ही होते हैं, कौन कौन से, एक है बच्चों आपके एसिडिक सॉल्यूशन, एक है आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन, और एक है बच्चों आपका बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। सो ये तीन प्रकार के आपको एक्वस सॉल्यूशन दिए हुए हैं, होता क्या है इसमें जो पीएच की वैल्यू है ये हमेशा इक्वल होती है पीओएच से, समझ रहे हो, पीएच की वैल्यू जो होती है वो पीओएच से इक्वल होती है, ज्यादा सेम सेम, इसमें जो क्या होता है इसमें जो पीएच की वैल्यू है ये ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पीओएच, ठीक है, इसमें पीएच की वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पीओएच, इसीलिए जो आपका पीएच होता है वो छोटा होता है बच्चों आपके 7 से। पीओएच की वैल्यू क्या है, 1 × 10⁻⁷, 1 × 10⁻⁷, तो लॉग फॉग निकालोगे, लॉग वॉग जब इसका निकालोगे वैल्यू पुट करोगे तो आपको 7 ही मिलेगा ना, तो आपको कुछ ऐसा मिलता है, सही है, समझ रहे हो। सिमिलरली यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे उल्टा बोल दिया, यहां पे पीएच की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है पीओएच से, तब जाके ये डेरिवेशन आपको मिलता है, यस करेक्ट, ठीक है। और इस कंडीशन में अगर आप देखो तो यहां पे पीएच की वैल्यू कम होती है एज कंपेयर टू पीओएच, यहाँ पीओएच ज्यादा होता है, तो इसीलिए इस कंडीशन में बच्चों आपका जो पीएच है वो 7 से ज्यादा होता है, यहाँ पे पीएच आपका क्या होता है, पीएच का जो वैल्यू वो इज इक्वल टू 7 होता है, समझ रहे हो। तो ये मैंने आप लोग को थोड़ा ऊपर ऊपर समझा दिया है, बाकी इसकी बातें डिटेल में हम लोग
अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। सो इस लेक्चर के लिए बच्चों हम लोग इतना ही रखेंगे। आई होप आप लोगों को जितनी भी चीज़ें मैंने सिखाई हैं, समझाई हैं, ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, पीएच क्या होता है, पीओएच क्या होता है, उनके रिलेशनशिप क्या होते हैं, ठीक है, जो भी डेरिवेशन मैंने आपको सिखाया है समझ में आया होगा, इसे अपने बुक में ज़रूर से लिखिएगा, सही है, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर से करिएगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही चीज़ें आपके लिए क्लियर होती रहेंगी, सही है। तो प्रैक्टिस ज़रूर से कीजिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, तभी ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इसके ऊपर जितने भी मैंने फॉर्मुलेज बनाए हैं, उन फॉर्मुलेज के ऊपर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाएंगे, सही है बच्चों, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करेंगे, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो इस वीडियो को, जितने भी बच्चे फैला दो इस वीडियो को, जितने भी आपके दोस्त हैं सब तक इस वीडियो को फैला देना, चलेगा, ठीक है। सो मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से एक और वीडियो में, जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड कीप स्टडी।